सो वेलकम टू आवर चैनल. लाइक यू नो हाउ यू फील, आपको कैसा लगता है, मतलब आपके आप जो यहाँ पे इजिप्ट से 2 साल से हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से एक्चुअली है, आपका नाम बोले थोड़ा. मेरा नाम साकिब है और मैं मुंबई से हूँ और मेरे को यहाँ पे लाइक 1 ईयर होने आया है. वन ईयर होने आया है क्योंकि मैं सेकेंड सेमेस्टर से आया था डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में. और लाइक मेरे को लगा लाइक यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी आसान होगी, लेकिन यहाँ पे जब से आया उसी पढ़ ही रहा हूँ. मतलब हर 2 हफ्ते में आपको एग्ज़ाम लेते रहेंगे और आपको बिज़ी रखेंगे ये लोग, ज़्यादा फ्री नहीं रहोगे आप. तो आपको कहना क्या था कि मतलब क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड इट्स गुड फॉर इंडियन बच्चे के लिए, बहुत अच्छा रहेगा. यहाँ की रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, रैंकिंग अच्छी है यहाँ की. कितना रैंकिंग यहाँ पे रैंकिंग, वो तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं आया था यहाँ की रैंकिंग सुना हूँ कायरो से ज़्यादा बेटर रही है. एंशियम्स और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. अच्छा अच्छा. हाँ, तो आप जो इंडियन बच्चे आना चाहते हैं आपके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, व्हाट एडवाइस यू डू फॉर द इंडियन स्टूडेंट हु वांट टू कम्प्लीट. आ रहे हैं तो पढ़ने आओ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है, ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ते, 8-8 घंटा तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, मेडिसिन है. अच्छा अच्छा. यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा रहती है, हॉस्टल्स एंड ऑल आप कैसे रहते हैं, हॉस्टल्स एंड ऑल कैसे, हॉस्टल खाना पीना हाउ यू मैनेज इट. हॉस्टल का मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप फ्लैट में रहिए. अच्छा. हाँ, क्योंकि आप फ्लैट में रहते हैं अभी. यस, फ्लैट में रहता हूँ. कौन कौन रहते हैं आपके पास. मेरे साथ 3 लोग रहते हैं, एक अभी न्यू बच्चा आया फर्स्ट ईयर का, और एक मेरे साथ ही रहता है, और एक है अहमदनगर का. अच्छा. खाना कैसे पका लेते हैं आप, तो घर का खाना मिस करते होंगे. खाना घर जैसे ही बना लेते हैं. अरे अच्छी बात है. खाने का प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा अच्छा. स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फेस किए थे प्रॉब्लम, अब नहीं है, अब सब सॉल्व आउट हो गया. इजिप्ट इतना दूर से है, इजिप्ट अब कैसा लगा, इजिप्ट हाउ फील इजिप्ट इजिप्शियन गाय इजिप्ट पीपल. दूर का कोई मसला नहीं है, वो तो और दूर जाना था, मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा. इजिप्ट का जो नागरिक उनको कैसे लगता, हाउ दे फील एज ए इंडियन एक्चुअली. दे फील गुड. सो अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार क्योंकि हर कंट्री के आ रहे हैं, उन लोग को भी अच्छा लग रहा है. बाहर के कंट्री के आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्री के यहाँ पे, इराक, बहुत सारे अरेबियन कंट्री, लीबिया, इराक, सब है इधर. अच्छा. एक आपको जानकारी होगा, अभी NMC का ड्राफ्ट निकल गया, NMC का ड्राफ्ट निकल गया कि 5+1-2 ऐसा कुछ 2 साल इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, इज अ मस्ट. जो नए बच्चे आएंगे आपके लिए नहीं, हमको तो 5 ईयर ही है, यहाँ तो 5 ईयर है, तो इंटर्नशिप यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे. वो तो अभी क्या मालूम, वो तो है अभी करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या भरोसा, चेंज होता रहता है कि ये 4th ईयर और 5th ईयर में करके, हो सकता है कि 5 ईयर करने के बाद 2 साल और इंटर्नशिप करना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्लियर करने के बाद इंडिया में करना पड़ेगा, फिर ऐसा वैसा चेंज होता रहता है. बट स्टिल द क्वालिटी के लिए कोई भी चांस ले सकता है, मतलब यहाँ पे. अच्छा, और एक बात, ये प्रैक्टिकल्स कैसे होती है, हाउ द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, मतलब आपका क्लिनिकल ये सब चीज़ें कैसा होता है. प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, वो प्रोजेक्टर पे होता है. इज इट. आपको लाइव जो है बॉडी पार्ट्स आपको दिख, आपको आपको मिल जाता है फॉर एनाटॉमी में. हाँ, होता है. अच्छा, मिल जाता है. अच्छा अच्छा. वो कैडिवर रहता है, उस पर दिखाते हैं लोग, मसल्स वसल सब दिखाते हैं, सब मिलेगा, मतलब यू आर नॉट ऑन डमी, आप लाइफ बॉडी मिलता है के लिए, तो सो नाइस. ये कजाक और बाकी दूसरे कंट्री में तो ये नहीं मिलता, तो ये सब अच्छा होगा कि मतलब ये समबडी कम टू इजिप्ट थोड़ा अच्छा रहेगा एक्चुअली. तो नाउ आपका क्लासेस कब से चालू होती है, मतलब डे, हाउ द डे स्टार्ट्स, सुबह से शाम तक थोड़ा रूटीन बताएंगे आप कैसा रहता है. सुबह से शाम रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन रहती पढ़ाई, और अगले दिन गैप रहता है. आज क्लासेस हुआ तो कल क्लासेस नहीं होगा, फिर अगले दिन क्लासेस होगा, मतलब हफ्ते में 3 दिन. ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, गैप रहता है, क्योंकि पूरा दिन पास हो जाएगा, बच्चों को जो पढ़ा है वो भी तो पढ़ना रहेगा ना अगले दिन. अच्छा 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 अच्छा. तो और अगर आप क्लासेस नहीं बैठे हो तो इनका खुद का ऐप है, तो जो पढ़ाया है वो रिकॉर्ड भी हुआ रहता है. अच्छा. तो आप क्लासेस नहीं भी आओगे तो घर पे बैठ के पढ़ सकते हो वही. तो एवरी क्लासेस हैव गॉट ए रिकॉर्डेड ऐप, मतलब कोई भी स्टूडेंट ने मिस कर दिया भाई कुछ रिविजन करेगा तो ही कैन टेक ए थिंक एंड डू दैट. बहुत अच्छा बात है, इट्स वेरी वेरी नाइस. तो आपको एग्जाम चालू है, तो यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन एंड ऑल. एग्जाम तो बहुत टफ होता है यहाँ पे. अच्छा अच्छा. तो एक्चुअली इतने सारे बच्चे हैं, वो किसी को इन कितने लोग को प्रमोट तो करेंगे नहीं, इतने सारे बच्चे हैं किसको पुश करते बैठेंगे. तो अगर फेल हो जाए, हाफ एक मार्क्स से भी फेल हो तो उनको पुश नहीं करेंगे, आपको फेल कर देंगे सीधा. मतलब इट शोस दैट दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस ऑन देयर पैटर्न ऑफ स्टडीज एंड ऑल्सो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो रिजल्ट. तो अभी कितना बच्चे होंगे एम्सन में, कितना 3 साल से जो बच्चे, कितना स्टूडेंट होंगे इंडियन का शायद 150 100
100 अराउंड होंगे यार. दे आर वेरी हैप्पी. और या इन फर्स्ट ईयर में लाइक ऑल ओवर कंट्री इट वाज लाइक 2200 एंड लाइक मोर देन हाफ ऑफ देम आर फेल्ड. फेल्ड हो गए क्योंकि बहुत लोग दिसंबर से आए थे, बहुत लोग अप्रैल बीच में से आए थे, तो वो सब फेल हो गए. जो भी सब फेल हो गए लेट में आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी कुछ करता है तो उनके लिए एनीथिंग यूनिवर्सिटी डू फॉर देम कुछ? तो दे हैव टू सीट वन सेकेंड फॉर दैट. मान ली कोई एक स्टूडेंट फेल हो गया फर्स्ट ईयर में, एंटर वन ईयर और वही एग्जाम देना पड़ेगा. एक चांस मतलब अभी मैं ये सब्जेक्ट दे रहा हूँ, मैं इसमें फेल हो गया हूँ तो आखिरी में जो समर में रहता है ना लास्ट में एक चांस मिलता है. अच्छा. उसमें फेल हो गए तो चांस नहीं है. और यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है, मतलब एक सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, 3 क्रेडिट है, फिर दूसरे सब्जेक्ट का 5 क्रेडिट है. अगर आप 10 क्रेडिट से ऊपर जाते हो तो आप फेल हो जाओगे. फेल हो जाएंगे. अच्छा तो अच्छा बुक्स मिलते हैं यहाँ पे? बुक्स एंड ऑल या बुक्स मिलते हैं, कॉलेज की बुक मिलते हैं. और ये जो यहाँ के हर एक स्पेसिफिक डॉक्टर है ना, जो पैथोलॉजी के हर सब्जेक्ट के जो डॉक्टर है, वो अपने अलग से नोट्स देते हैं, अलग स्टोर से आप वहाँ से जाके ले सकते हो. अच्छा यहाँ पे जो टीचिंग का जो होता है मेथड, ये प्योरली इन इंग्लिश और कुछ अरबिक रहता है? अरबिक रहता है कुछ ना प्योरली? नहीं, इंग्लिश बैच अलग होता है. हाँ. और अरबिक बच्चे लोग का अलग होता है. और सूडान और जो इंडिया के हैं, जो कोई कोई सऊदी के इंग्लिश जो बोलते हैं अरबिक नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बैच अलग होता है. अच्छा अच्छा, ये प्योर इंग्लिश, कोई मतलब अरबिक नहीं है. इंटर्नशिप यहाँ पे, इज देयर एनी हॉस्पिटल्स इनसाइड द कैंपस? दिस इज ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम हियर. दिस इज ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम देयर. अच्छा ओके फाइन. सिटी इज गुड लाइक सिटी. यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ से पूरा पीछे. दिस इज द हॉस्पिटल्स, यू कैन शो द कैमरा. दिस ऑल द हॉस्पिटल्स, इट इज लाइक इनसाइड द ऑलमोस्ट कैंपस. यस वेरी वेरी लॉन्ग, बिकॉज NMC सेज दैट हॉस्पिटल शुड बी देयर इनसाइड द कैंपस. एंड वेरी नाइस टू सी दैट एम्स आर हैविंग ए कैंपस इनसाइड मेडिकल इनसाइड द कैंपस. आई मीन दिस वेरी गुड. अब प्रैक्टिकल भी वहीं पे होगा, प्रैक्टिकल क्लिनिकल सब कुछ यहाँ होता है. प्रैक्टिकल यहाँ भी होता है. एंड क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप वहीं पे होगा. अच्छा हुआ कि जैसे कि NMC का रूल है कि 2 साल बढ़ाएंगे जो है करके, उनको यहीं पे मिल जाएगी प्रैक्टिकल्स उनको मिलेगा बराबर ना. तो ये मेडिसिन है, ये वहाँ से कॉमर्स का सेक्शन है. हाँ हाँ, पूरा वहाँ से पूरा लंबा है. अच्छा, बीच में ये रोड आ गया है तो ये पूरा ऐसे कनेक्ट हो गया होता. अच्छा अच्छा. आई थिंक कैरो एम्स दोनों ही बड़े हैं यहाँ पे. कैरो का नहीं मालूम मुझे. अच्छा अच्छा, बड़ा है सर. दिस इज व्हाट इज प्रेयर हॉल और समथिंग? दिस इज मस्क. मस्क है. अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक वी आर अपना नाम साकिब. बहुत अच्छा लगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बाय संडे. आई एम राइट? ओके, विश यू बेस्ट. थैंक यू थैंक यू अ लॉट.